है गाइस, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो उससे पहले बता दूँ कि मैं आज मैं कहाँ बैठा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि पेड़ ही पेड़ है पीछे, तो मैं बैठा हूँ अपने पुस्ते रोड पे। तो वहाँ पर काफ़ी मतलब पेड़ वगैरह है। तो आज मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह कनॉट प्लेस। तो वहाँ पर अभी लोकेशन हमारी मतलब डन हुई है। एक मेरा फ्रेंड है, उसके छोटे भाई का शूट करना है, मतलब प्रोफाइल शूट करना है। तो आज जा रहा हूँ मैं फ़ोटोग्राफी करने। तो फोटोग्राफी करने के बाद वहाँ से फिर निकलूँगा। आज हमारे यहाँ का सिग्नेचर ब्रिज है जो कि 20 साल से बन रहा था, तो आज भी नहीं बना हो बट उसको खोल दिया जाएगा। रोड तो बनी गई है कि लोगों को आने जाने के लिए। तो काफ़ी मतलब आज अच्छा दिन है और सुबह सुबह खुशखबरी मिली समझो एक तरह से कि अब ब्रिज खुल जाएगा और हमारे आने जाने में आसानी होगी। तो अभी चलिए, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ब्रिज के ऊपर आज ही शूट करूँगा, नहीं तो फिर मैं कल उसके ऊपर एक नया ब्लॉग बनाऊँगा। तो चलिए पहले देखते हैं क्या होता है आगे। तो फाइनली मैं सिटी में आ गया हूँ और मेरा शूट स्टार्ट हो चुका है, कैमरा मेरे हाथ में है। तो ये रही लोकेशन और जहाँ पर मैं अभी शूट कर रहा हूँ, यहाँ से उसके बाद अभी चेंज करेंगे फिर आगे जाएंगे। और वहाँ पर काम करने के बाद फिर जैसा मैंने बोला था सिग्नेचर ब्रिज का मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ, तो शायद टाइम मिल जाए तो मैं पक्का बनाऊँगा, नहीं तो फिर कल के नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगी उसमें मैं अपना वो ब्लॉग पूरा करूँगा। हाँ, अभी स्लोली मेरा सीपी का पूरा चक्कर लगने वाला है। और मैं पता नहीं कौन से ब्लॉग में, अभी सी ब्लॉग में था और अभी पता नहीं कौन से ब्लॉग में घूम रहा हूँ। आप देख सकते हो पीछे सारी ये बैंक्स वगैरह हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मतलब लोकेशन है, पर अभी उसी के सामने हम शूट करने जा रहे हैं। तो ये है वो जगह, तो आप देख सकते हो बाकी पीछे खड़े हुए हैं। तो अभी मैं था कनॉट हाई स्ट्रीट में, जो कि मतलब शूट्स वगैरह वहाँ पर काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल लोग आते हैं। तो वहाँ पर मैं अकेला ही पड़ गया, बाकी वहाँ पर टीम्स थी, काफ़ी भीड़ थी, कंजेस्टेड था, इसलिए मैंने वहाँ का मतलब ज़्यादा मतलब वहाँ पर किया नहीं शूट, मतलब क्लिक्स वगैरह। बाकी वहाँ से निकल गए हैं, अभी यहाँ पर दोबारा हम जा रहे हैं पीछे और ये कपड़े वगैरह चेंज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो सीपी, अगर जो कभी ना आया हो दिल्ली और वो सीपी जानना चाहता हो, देखना चाहता हो मतलब, तो मेरा अपना दिल्ली इंडिया का फ्लैग। और ये मतलब इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी पहले, पर अभी एकदम उसकी ना थोड़ी हाइट को कम कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, और काफ़ी अच्छा लगता है। बीच में कुछ दिन इसे उतार दिया गया था तो सीपी सूना सा लग रहा था, क्योंकि इसी फ्लैग की वजह से सीपी को जानने लगे थे लोग। और यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो तो आप जानते हो कि एकदम मतलब वाइट है सब कुछ। तो बाकी इतने शोरूम्स वगैरह हैं यार, सही में बंदा यहाँ के ना कंफ्यूज हो जाएगा, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, बल्कि मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ परमानेंटली फिर भी। तो गाइस ये है वो गाड़ी जिसमें हम आए हैं आज मतलब शूट पे, तो ये महिंद्रा की थार है और काफ़ी मतलब पॉपुलर है, मतलब अपने आप में ये दिखता है मसल्स, जैसे कहते हैं ना गाड़ी और बंदा एकदम तगड़ा हो, वैसे ही ये गाड़ी है, वैसे जो थार है काफ़ी बढ़िया है और सनरूफ भी लगी हुई है इसमें। यार जैसे जैसे अभी टाइम मतलब बीतता जा रहा है, वैसे वैसे दिल्ली में गर्मी अभी बढ़ती जा रही है। सुबह तो काफ़ी ठंड थी बट अभी पसीने हो रहे हैं। मैं सोच रहा था टी शर्ट पहन के जाऊं या ना जाऊं, ठंड लग रही है, बट अच्छा है मैं टी शर्ट पहन के आया, क्योंकि फिर अभी एकदम मतलब ह्यूमिडिटी हो रही है, गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ हूँ, अभी वो सब कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं। तो बस जल्दी से यार मैं सोच रहा हूँ कि ये काम ख़त्म हो तो मैं अपने सिग्नेचर ब्रिज पर जाऊँ। तो आई होप, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर ख़त्म करके फिर मैं आपको अपना सिग्नेचर ब्रिज दिखाऊंगा, जिसका दिल्ली वाले लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलिए देखते हैं अभी।
गाइस अभी हम प्रेसिडेंट हाउस जा रहे थे सीपी में, और यूपी का नंबर देख के मतलब गाड़ी का यूपी 14 नंबर है, और थार और ब्लैक टेंटेड ग्लासेस पीछे लगे हैं। पुलिस वालों ने रोक लिया और चलान काट रहे थे तगड़ा, पर क्या छोड़ो, चलान वगैरह तो कट गया जो कटना था, नहीं बता सकता मैं कितने का कटा। अभी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा मैंने कसम खाई है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा अभी, और ना एनर्जी ड्रिंक, तो अभी दूध पी रहा हूँ मैं यहाँ खड़े होकर, तो दूध पी के निकलते हैं। और ये भाई हैं थार के मालिक। फाइनली भी हम अपने सेकंड लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, इसका नाम है, आप पीछे पढ़ सकते होगे, राष्ट्रपति भवन। तो आज जो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, मतलब यहाँ पर ना जैसे कि नॉर्मल कोई आ नहीं सकता, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और मतलब नॉर्मल लोगों को आने की परमिशन नहीं है। बैठे हमारे साथ एक भाई हैं, वो दूसरे हैं, और तो उनकी मतलब वो यहीं पर रहे हैं पहले भी, तो उनकी वजह से एंट्री हो गई और मतलब पास वगैरह बन गया हमारा, तब जाकर हम इसके अंदर आए हैं। तो अभी यहाँ पर शूट वगैरह करेंगे, शूट करके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो मैं सोच ही रहा हूँ यार, आज मेरे को 3 बजे तक पहुँचना है, मतलब ये सिग्नेचर ब्रिज पे वहाँ का व्लॉग शूट करना है, बट मेरे को तो नहीं लग रहा कि अभी पॉसिबल हो पाएगा। पहले यहाँ का करते हैं और फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी करके निकलते हैं यहाँ से। आपको आसपास का एरिया भी दिखाता हूँ वहाँ का कैसा है। गाइस यार यहाँ पर इतनी शांति है कि मतलब एकदम मन खुश हो गया, और ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब अपने गांव में आ गया हूँ। अब पीछे देखो मतलब इतनी ग्रीनरी है, और पूरी रोड गई है पीछे तक एकदम, मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गांव पहुँच गया हूँ। गाइस फाइनली मैं शूट ओवर करने के बाद घर आ चुका हूँ, और सुबह से काफ़ी भाग दौड़ रही है आज, और काम भी किया, तो अब मैं घर हूँ इस टाइम। काफ़ी टाइम लग गया मेरे को आने में, और काफ़ी थकान हो गई है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं यूँ ही ब्लॉग्स बना के आपके सामने लाता रहूँ और आप मुझे से देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।